तभी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तभी किसी की नज़र लगती है और आपके साथ बुरा हो जाता है। मेरे साथ ही कुछ ऐसे ही हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और वो भी ऐसा वैसा एक्सीडेंट नहीं, फालतू एक्सीडेंट। एनीवेज, वेलकम टू द क्रेजी ट्रैवलर्स। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ जुलाई में, आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले। मैं दुर्ग से भिलाई आ रहा था। दुर्ग भिलाई एक तरह का ट्विन सिटी है, जिनको नहीं पता, और ये हुआ राजेंद्र पार्क चौक के पास। मैं रेड सिग्नल में रुका हुआ था एंड जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ वैसे ही मैं निकला। 10 मीटर ही हुआ होगा तो अपोजिट साइड से एक कमर्शियल ऑटो मेरी तरफ आ रहा था और वो शायद जंप कर रहा था सिग्नल, क्योंकि उसको चाहिए था कि आगे जाके यू टर्न लेके फिर आए, बट वो सोचा कि ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करें या पेट्रोल बचा लेते हैं तो जंप करते हैं सिग्नल को। मैं देखा कि ये रॉन्ग साइड में, तो ठीक है यार रुक जाते हैं, इसको जाने देता हूँ। तो मेरे और डिवाइडर के बीच में से वो निकलने की कोशिश किया एंड उसकी गाड़ी की वजह से इम्बैलेंस हुई एंड वो मुझे आके मेरे एंकल पे हिट किया। मैं तो गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था एंड मैं वही का वही गिर गया एंड मैं उसको जाते हुए देख रहा हूँ पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में। जनरली क्या होता है, जब आपको कोई हिट करता है तो या तो आप बेहोश हो जाते हो या तो पूरा ब्लैकआउट हो जाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मैं उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा था जाते हुए। ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पे खड़ा हुआ था उसको पकड़ने के लिए। उसको पता चल गया था कि उसने गलती की है, तो जहां उसको जाना चाहिए था वहां नहीं जाके वो फिर उल्टे दिशा में भागा एंड वो भागने में कामयाब हुआ। बट ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसका नंबर नोट कर लिया था। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी पास में ही था। तो वहाँ जाके फिर चेकअप वगैरह किया, एक्सरे वगैरह निकाले, फिर मुझे पता चला कि एंकल वॉज ब्रोकन एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद फिर मैं FIR करवाने गया। FIR करके फिर मैं वापस घर आया। अभी 10 दिन पहले ही मेरा प्लास्टर अभी उतरा है बट अभी भी मैं लिम करके चल रहा हूँ। अभी बाइक वगैरह तो बिल्कुल अलाउ नहीं है मुझे चलाना, क्योंकि अभी मैं अपने पूरे बॉडी का वेट नहीं डाल सकता अपने राइट वाले एंकल पे, और बाइक का वेट तो आपको पता ही है तो डबल हो जाएगा, तो मैं गिरा दूंगा गाड़ी को। और अब रही बात वो बंदे की जिसने मुझे ठोका, पुलिस स्टेशन में गया था, उसको पकड़ लिए हैं, उसकी गाड़ी जब्त हो गई है, ये अच्छी बात है। एंड वो मुझसे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आया था मेरे पास। बोला कि भैया मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से दूंगा। मैं बोला कि भाई तू गरीब है तो क्या किसी भी अमीर की जान ले लेगा, तो वैसे मैं अमीर हूँ नहीं। देख भाई, कानून सबके लिए होता है, अगर तुम किसी को हिट करते हो तो कम से कम उसको हॉस्पिटल पहुँचा दो, सॉरी बोल दो, हो सकता है कि वो तुमको माफ़ कर दे। बट मेरे केस में वो तो मुझे ठोक के भाग गया, उसको लगा कि कोई नोटिस नहीं करेगा। बट लकीली जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आई विटनेस बन गए हैं मेरे केस में, तो हमारा जो केस है वो कोर्ट में जाएगा, फिर जज ऑर्डर देंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अगर नहीं करता है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर केस चलेगा। एक और बात मैंने आपको बताया नहीं, जिस बंदे ने मुझे ठोका उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस तक नहीं कर रखा था। सोचो कितना इररिस्पॉन्सिबल बंदा था। खैर, उसकी तो अच्छे से वाट लगने वाली है अब मेरे चैनल पे। अब आगे क्या करूंगा, ऊपर से कोरोना के भी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि मैं क्या बताऊं। नो प्रॉब्लम, इस सितंबर के मंथ में फुल ऑफ सरप्राइजेस है और सरप्राइज अभी से स्टार्ट हो रहा है।
टायर चेंज करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला? सारी।